गुड मॉर्निंग हिंदी वी स्टूडेंट्स, आज हम प्रस्ताव शुरू करेंगे। तो पहला प्रस्ताव है कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके के अंदर ये दिए गए कि निश्चय ही कन्या भ्रूण हत्या एक भयंकर सामाजिक अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या से तात्पर्य है कि गर्भ में पल रही कन्या के भ्रूण को जन्म लेने से पूर्व ही मार देना। इसका सीधा सा अर्थ है गर्भस्थ कन्या की हत्या कर देना, यह एक जघन्य अपराध है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। हमारी संस्कृति में नारी की पूजा करने को कहा गया है, यत्र नारित्री पूजते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, यही मैत्री शरण गुप्त तक आते आते इस रूप में परिवर्तित हो गई। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। वर्तमान समाज नैतिकता की चकाचौंध में नारी की महिमा को भूलता जा रहा है। उसे ये समझना होगा कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, नारी के बिना नर का जीवन अधूरा है। वैसे पुरुष समय को नारी से अधिक शक्तिशाली मानता है, वह अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। समाज में अभी भी कन्या के प्रति हीन विचार है या आदर्श रूप में उसके मान सम्मान की बातें करता है, पर यथार्थ के धरातल पर स्थिति इसके विपरीत है। इसी का दुष्परिणाम है कि असंख्य कन्या भ्रूणों की गर्भ में ही नष्ट किया जाता है। हरियाणा में यह स्थिति अधिक चिंताजनक है, यहाँ 1000 लड़कों पर केवल 850 कन्याएं जीवित रहती थी। अब सरकार के प्रयासों से इस स्थिति में सुधार आया है और यह लिंगानुपात कुछ बढ़ गया है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए कुछ स्वार्थी डॉक्टर तथा बीमार मानसिकता के लोग जिम्मेदार हैं। कानूनी रोक होने के बावजूद कुछ लोपी डॉक्टर गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करते हैं।